आज की रेसिपी को देखकर आप सबने पहचान ही लिया है कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तिल को भून लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे और लगातार ही चलाते रहेंगे। ये भून गया है, इसमें से अब खुशबू आने लगा है और कलर भी चेंज हो गया है, तो गैस को बंद कर देंगे और इसे दूसरे बर्तन में ले लेंगे। और जब तक तिल ठंडा होता है तब तक हम गुड़ का चाशनी बना लेंगे। एक चम्मच घी डालते हैं। घी पिघल गया है तो इसमें एक कटोरी गुड़ डाल देंगे। लगातार चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये एक कटोरी बादाम भी लिए हैं, इसे पहले ही भून कर इसका छिलका निकाल लिए हैं। इसे मिक्सी के जार में दरदरा कर लेते हैं। इसे दरदरा कर लिए हैं, निकाल लेते हैं और इसी में इस भुने हुए तिल को भी पीस लेंगे। तो इसे भी पीस लिए हैं, निकाल लेते हैं। इधर चाशनी भी मेरा होने को तैयार है, इसे थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। इसके लिए सॉरी है क्योंकि पास में ही मंदिर है, सारा साउंड आता रहता है। अभी ये तैयार नहीं हुआ है और इसे 2-3 मिनट पकाएंगे। एक बार इसे फिर से चेक कर लेंगे। अब ये तैयार हो गया है तो फ्लेम को कम कर देंगे और अब इसे मिला देंगे। और इसे लगातार चलाएंगे। और इसे पूरी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और आप चकला या बोर्ड पे थोड़ा तेल लगाकर बेलन में भी थोड़ा तेल लगा लेंगे। इधर पहले ही एक चम्मच भुना हुआ तिल निकाल लिए थे, उसे चकले पर फैला देंगे थोड़ा सा। और अभी ये गर्म है, इसे हाथ नहीं लगाएंगे, ठंडा थोड़ा करेंगे। इसे हल्का सा सिर्फ पूरे तिल को मिला लेंगे। अभी ये गर्म है तो इसे धीरे धीरे हाथ से करेंगे या अभी हाथ नहीं लगाएंगे। और हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। और यहीं पे चाकू से इसे अभी हल्का गर्म है निशान दे देंगे। चाकू पर थोड़ा घी लगा लेंगे जिससे ये चिपकेगा नहीं।
और तिल बादाम गजक बनकर तैयार हो गया है। ये सफ़ेद वाला गुड़ नहीं था, इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। कलर थोड़ा डार्क है, लेकिन बिल्कुल ये बाजार जैसा इसका स्वाद है। आप भी बनाइए और इस मकर संक्रांति सबका मुंह मीठा कीजिए इस तिल गुड़ गजक से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।